तो मैं हूं सुतोकु स्टार और सर, आज जिस जापानी चूया के बारे में बात होने लगी है ना, उन्हीं के लिए परफेक्ट एग्जांपल बनी है कि जिधर खाया उधर ही छेद किया। अच्छा जी। और दूसरी तरफ ये क्या कोविड 19 के मरीज रह चुके हैं, इस चूया को फॉलो करके क्या मिलता है, वो भी 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं बल्कि पूरे 10 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन जिस तरह ये चूया स्पीड से जा रही है ना, कुछ ही अरसे में 15 मिलियन भी टप जाना है। तो टाइटल और थंबनेल को देख रही तुमने जाहिर है इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, तो ये बंदी कोई तारुफ के मुताज नहीं है। इस लड़की का नाम है जन्नत मिर्जा। मैं बता रहा हूँ भाई तुम लोगों को, जैसों को फॉलो करना छोड़ दो वरना तू बड़ी राम मौत मना है। तो इसलिए अपने अपने चूहे को नसवार खिलाकर मस्त कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई चलो भाई। गबरू है मार ना दे, मापियां दा लाड लाए सन गोरी है। तेरी 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 ये जो मैंने तुम लोगों के 10 सेकंड जानबूझकर जाया किया ना, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सिर्फ दूर से चलकर आने को मेहनत और टैलेंट कहते हैं ना। टिकटॉक इससे भरा हुआ पड़ा है, बल्कि चूहा शेप पर जो मेकअप की सारी दुकान जाया कर दी है, मैंने तो सारी इस चीज की है। अब इसकी हकीकत अगर बगैर मेकअप के देखे तो बिल्कुल FX गाड़ी की तरह लगेगी, और अगर मेकअप के साथ देखे तो मर्सिडीज। अब ये मत कहना कि भाई मैं बॉडी शेविंग पर जोक्स मार रहा हूँ। अब अगर एक बंदे ने अपनी शक्ल का खुद ही इतना जानबूझ के बड़ा गर्क किया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा बेइज्जती कर सकते हैं ना। लेकिन अगर एक बंदे की इज्जत है ही नहीं तो उसकी बेइज्जती करने का अलग ही मजा है। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं कोई इसे पर्सनल हेट नहीं करता, मगर जब आप पूरे पाकिस्तान को एक ही लाइन में खड़ा करके ये बोलोगे कि तुम सबकी मेंटालिटी छोटी है, तो भाई सीधी सी बात है हम तो बजाएंगे जी। और एक बात याद रखना कि जिनकी छोटी मेंटालिटी होने की तुम बातें कर रहे हो ना, उन्हीं के पैसों की वजह से आज तुम जापान बैठे हुए हो। वैसे टिकटॉक को बैन करके पीटीआई ने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, क्योंकि लोग जन्नत को फॉलो करके जहन्नुम की तरफ जा रहे थे। बेचारा अच्छा भला घर के राशन में से 100 रुपए मार कर नया मोबाइल लेकर आया था, मगर जहन्नुम ने इस चूसनी के पीछे वो भी तोड़ दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और खुशी देखो यार इसकी, किसी के नुकसान करके दिल से कैसी कैसी बातें निकल रही होंगी। ऐसी लड़कियां तो फुप्पो के नाम से जाने जाती हैं, जो कि दूसरों के दरमियान में रोला करवा कर ऐसे खुश हो रही होती हैं जैसे इनको किराए की साइकिल वापस मिल गई हो। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ कि इस वीडियो में हुआ क्या है। दोनों पिदियां आपस में लड़ रही होती हैं और पीछे से एक लड़का आता है, आते ही इस लड़की पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर देता है रणविजय की तरह। उसके बाद एक चूही आती है और अपने गुस्से की बुरी घटिया नाकाम फेक एक्सप्रेशन बनाने की पूरी पूरी कोशिश करती है, जिसको देखकर इस लड़के की फट के हाथ में आ जाती है। 10 मिलियन भाई 10 मिलियन। जनता माफ नहीं करेगी। लंड मेरा माफ नहीं करेगी, जनता तो खुद लोड़े लगी बैठी है। जी ऐसी शुक्र मिला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। इस वीडियो की मैं छोटी सी मिसाल देकर पेश करूंगा कि अगर जिसको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो भाई जाकर पोगो देखो 69 पर आता है। एक ओरियो बिस्किट का डब्बा लेकर आओ, उसमें से 10 बिस्किट को ना निकाल लो, उन 10 बिस्किट में से 9 की क्रीम को अलग कर दो और 1 क्रीम को वहीं पर रहने दो। अब जो बाकी बिस्किट है उनमें से 5 को उस क्रीम के ऊपर रख दो और 5 को नीचे। समझ रहे हो? नहीं अब भी नहीं समझ आई। नेकी का टिकटॉक पे डाल, चूया ने वागी साबित करके दिखा दिया कि भाई ये लोग वागी फुद्दू हैं, सिर्फ अपनी ठरक मारने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करते हैं और अपने शेयरों को शबाशी के साथ साथ हल्की सी थूक लगाकर लाइक बटन पर क्लिक भी कर देते हैं। इससे ज्यादा ज्यादा क्या होता है, वीडियो की रीच बढ़ती है और कुछ भी नहीं। वरना ये पौधा लगाने वाली वीडियो ना भी बना देना तो भाई किसी को एले का भी फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ऐसे काम हमारे किसान भी रोज करते हैं। उन्होंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही उनको कोई अप्रिशिएट करता है इस कामों का। जिनका दाना पानी खाकर आज तुम बड़े हुए ना, उनको अप्रिशिएट करना सीख जाओ, उन्हीं के पैसों की वजह से आज तुम जापान में बैठे हुए हो। अगर अप्रिशिएट करना नहीं सीख सकते ना, तो भाई 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ना डगी भाई के पास भी हैं। तुम्हें पता है तुम मेरी जान हो, और जान वही होता है जो जान से प्यारा होता है। मैं रात को ना कमर्शियल मार्केट घूम रहा था और यकीन करो बिल्कुल यही वाला डायलॉग ना एक खुसरे ने मुझे आकर बोला था। तुम्हें पता है तुम मेरी जान हो। वहीं से मैंने अंदाजा लगाया कि टिकटॉक इन जैसों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चलो यार आज इसको यही बनाने करते हैं, लेकिन मैं एक बात लाजमी ऐड करूंगा कि ये वाली वीडियो जस्ट शुगर में बनाई गई है, तो ज्यादा केला मत खाना, पता लगे कल को पैन स्ट्राइक पड़ी हो मुझे। वीडियो खत्म करने से पहले अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लो भाई, वहाँ पे कोई नाराजगी नहीं है, वहाँ पर आ जा करो, अपडेट मिल जाया करेगी। तो खैर आज को यही बनाने करते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो और सब्सक्राइब मारो, लेकिन बेल लगा कर दबाना मत भूलना ताकि नई आने वाली चुगलियां तुम लोगों को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए
छेक के रखोस। Don't call it